अस्सलामुअलैकुम। MGMT 623 लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट की GDP 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियो बताया गया है। सबसे पहले आपको मिंट्सबर्ग मॉडल के बारे में, जो 10 डिफरेंट रोल्स हैं इनके सक्सेसफुल मैनेजर के, उसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दी गई है। आपने सबसे पहले ये देख लेना है 3 जो आपके रोल्स हैं, इंटरपर्सनल रोल्स उसके बारे में डिटेल दी गई है, फिर इंफॉर्मेशनल रोल हैं और एंड पे डिसीजनल रोल्स हैं। ठीक है, ये 3 रोल्स हैं, आपने इनको पढ़ लेना है कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज पाई जाती हैं। उसके बाद में एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको कैटेगरीज और उनके सब कैटेगरीज भी दी गई हैं रोल्स की। ठीक है, जैसे कि इंटरपर्सनल रोल में फिगर हेड की एक सब कैटेगरी होती है, लीडर की होती है और लायन की होती है। इस तरह से इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल के बारे में भी बताया गया है। अब आपको स्नैरियो क्या बताया गया है, यहाँ पे 3 केसेस आपको दिए गए। यहाँ पे एक स्नैरियो दिया गया है जिसमें राबिया की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, उसकी एज ए मैनेजर उसकी जो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करती है। ठीक है, आपको रिक्वायर क्या है इसमें कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसकी किस वाले जो रोल में, किस ड्यूटी में वो कौन सा रोल अपना निभा रही है। ठीक है, और उसका जो सब मैनेजेरियल रोल है वो भी आपने डिफाइन करना है कि इसमें सब मैनेजेरियल रोल कौन सा वो अडॉप्ट कर रही है। पहले आपने ये फाइंड आउट करना है तीनों में से कि पहले वाले में इंटरपर्सनल है या डिसीजनल है या इंफॉर्मेशनल है, कौन सा है, और दूसरे वाले में कौन सा है। और उसके बाद में इनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जो है इसके सब मैनेजरी रोल भी बताने हैं कि इसमें वो फिगर हेड ऐसा कर रही है या कौन सा काम कर रही है। सेकेंडली आपने इनको कंपेयर और कंट्रास्ट करना है इंफॉर्मेशन जो आपको बताई गई है स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 में, और एनालाइज़ करना है कि सब मैनेजरियल रोल्स कौन से हैं, इसमें कौन से जो है आपकी स्टेटमेंट में कौन सा रोल है। ठीक है, आपके 5 मार्क्स की ये जो GDP है काफ़ी इजी है, आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा टेक्टिक के साथ आपने इसको सॉल्व करना है। वर्ड लिमिट जो है वो 60-75 वर्ड्स है, आपने इसी में अपना आंसर जो है वो लिखना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन। MGMT 623 की GDP का सोल्यूशन हम शेयर करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ये एक आइडिया सॉल्यूशन है। आपने इसको पूरे क्वेश्चन फाइल को पढ़ना है देन अपना आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर बनता है कि उसने कौन सा रोल फॉलो किया। उसने इंटरपर्सनल रोल जो को फॉलो किया है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, क्योंकि इंटरपर्सनल रोल में क्या पाया जाता है कि एज व्हेन अ मैनेजर इनकरेजेस जूनियर्स कॉन्टेक्ट आउटसाइड द कमांड एंड अटेंड सेरेमोनियल इवेंट्स, he follows interpersonal role। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि उसने कौन कौन सी सब कैटेगरीज को यूज़ किया है। तो उसने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 में क्या उसने किया कि शी फॉलोज लीडर रोल एज शी एक्सेप्ट वर्क एंड इनकरेजेस हर जूनियर। उसके बाद में नंबर 2 में शी फॉलोज द लायन रोल बाय कॉन्टेक्टिंग आउटसाइड द वर्टिकल चेन ऑफ कमांड। ठीक है, और 3rd में एज शी रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन बाय साइनिंग एंड इनफॉर्मली टॉकिंग टू अदर्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन सेरेमोनियल इवेंट्स, जैसा कि उसने लोगों को सेरेमोनियल इवेंट्स में भी ज्वाइन किया और उनको इनफॉर्मली टॉकिंग की उनसे और रिप्रेजेंट उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किया। तो ये जो क्वालिटी है ये सब कैटेगरी फिगर हेड की पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों जो सब कैटेगरीज इनका रोल किस में पाई जाती हैं, ये इंटरपर्सनल रोल में पाई जाती हैं, तो इसलिए इसका जो रोल होगा वो इंटरपर्सनल होगा। आपने डेफिनेशन भी लिखनी है इसकी, 1 मार्क्स इसका होता है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।